हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ड्रिल चक की। ये आपको दो ड्रिल चक दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में एक ड्रिल चक ड्रिल मशीन के अंदर लगा हुआ है और एक ये ओपन है। इसे मैंने इस ड्रिल मशीन से निकाल लिया था। क्यों निकाला, उसका कारण ये था। ये आप देखेंगे, इसकी ये की है बिल्कुल खराब हो चुकी है एक तो, दूसरा इसके जो कट है ये की इनको घुमाती थी, ये कट है, ये टूट चुके हैं यहाँ से। इसीलिए इसमें ड्रिल बिट है वो पूरी सही ढंग से टाइट नहीं हो पाती है। ये जो होल हैं ये भी लूज हो चुके हैं, ये वाले ये होल भी हैं, ये लूज हो चुके थे। तो ये तो आप समझ गए इसको मैंने चेंज क्यों किया, जिसके कारण बता दिए। काम कैसे करता है उसकी बात कर लें। पहले इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं ताकि इजीली आपको ये समझ में आ जाए। ये देखिए, ये ऊपर का बोल्ट होता है, इस प्रकार से लगा होता है ये, इस प्रकार से। ये आप समझ गए होंगे, ये इस प्रकार से मूव करता है और ये यहाँ फिक्स रहता है बोल्ट ऊपर का। और ये अंदर जो नट लगे हुए हैं इनके एक साइड ये चूड़ियां होती है और ये इनको आगे पीछे करता है। ये अंदर के नट हैं, ये थोड़ा इस प्रकार से तिरछे होते हैं, यहाँ से इस प्रकार से ये अंदर तिरछे लगे होते हैं। इनको निकाल के बता देता हूँ मैं किस प्रकार से है। ये इस प्रकार से होते हैं, यहाँ से ये गोलाई में होते हैं ऊपर से, और नीचे की साइड ये जो हमारा ड्रिल बिट है यहाँ पे पकड़ करता है। जब इन पे प्रेशर पड़ता है तो ये अंदर की तरफ जाते हैं यहाँ से इस प्रकार से। जब हम इसे टाइट करते हैं तो ये अंदर की तरफ प्रेशर डालते हैं, प्रेशर डालते हैं तो हमारा जो ड्रिल बिट है वो इसके अंदर फिक्स होकर के टाइट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारे ड्रिल बिट है वो ड्रिल चक है वो काम करता है। ड्रिल चक आपको पता ही है, इसमें उल्टी चूड़ी होती है। ड्रिल मशीन है वो क्लॉकवाइज घूमती है और इसके ऊपर हमेशा क्लॉकवाइज घूमती है, इसलिए ये जो अंदर चूड़ी होती है ये लूज नहीं हो पाता है। अंदर की चूड़ी है वो इसी हिसाब से उल्टी होती है ताकि जितना ही ड्रिल बिट चलेगा उतना ये टाइट होगा, खुल नहीं पाएगा। अगर आप ड्रिल मशीन को उल्टा चलाएंगे तो इसके ड्रिल चक है ये खुलने की संभावना रहती है। अब इस जो ड्रिल चक है इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कितने एमएम का हमारे ड्रिल बिट आ सकती है। तो ये लिखा हुआ है इस पे 1.5 mm से लेके 10 mm तक का इसमें ड्रिल बिट आ सकता है, आगे इंचीज में लिखा हुआ है। तो हमें देखना चाहिए हमें कितना बड़ा इसमें ड्रिल बिट यूज करना है। तो वैसे मैं बता दूं, ये जो आपके सामने ये ड्रिल पड़ी है ये ड्रिल बिट है 2 mm की, 2 mm की है, और ये जो ड्रिल बिट है ये 6 mm की है। ये दोनों इसमें आ जाएगी और इससे अलावा इससे बड़ी हो 10 mm तक की ड्रिल बिट इसमें आ जाती है यहाँ पर। और वैसे 1.5 mm बता रखा है लेकिन ये पूरा टाइट करने के बाद यहाँ पर मैं आपको बताऊं, एक नीडल है ना जो सुई है वो भी इसमें फिक्स हो सकती है, इतना ये पकड़ बना के रखता है। कभी भी आप ड्रिल बिट लेने जाए तो अच्छी क्वालिटी का लें, अच्छी क्वालिटी का आपको लेना चाहिए, हल्की क्वालिटी का नहीं लेना चाहिए। और ये जो की होती है ये भी चेक कर लेना चाहिए आपको लेते समय, ये छोटी भी आती है और बड़ा साइज भी आता है, ये भी आपको देखना होता है। ड्रिल चक कोई ज्यादा महंगा नहीं होता है, 100-125 रुपए में ये आपको मार्केट में मिल जाता है। तो इस प्रकार से इसमें जो ड्रिल चक है उसके बारे में कुछ एक बातें मैंने बताई है। और एक बात मेन जो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो पुराना जो ड्रिल चक है हमारा, इसमें ये जो बाहर का जो नट था ना ये वाला, ये बहुत हल्की क्वालिटी का था, देखिए क्रैक हो गया। जबकि लोहा आपको पता है क्रैक थोड़ी होता है कभी, लेकिन ये देगी लोहा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, हमारे यहाँ स्थानीय भाषा में इसको देगी लोहा बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये ब्रिटल होता है, ये टूट जाता है लोड पड़ते ही, इसी कारण ये टूटा। तो इसीलिए अच्छी क्वालिटी का लें, जो क्रैक नहीं हो पाए ये आपको देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में ये जो हमारे ड्रिल चक है
इसकी सामान्य सी जानकारी देने का मैंने प्रयास किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।